नमस्कार दोस्तों, जीएसपी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक करने वाले हैं, और जिसमें तकरीबन एग्जाम्पल का 17 क्वेश्चन था मैंने करा दिया है, और आज रेशियो का दूसरा क्लास है, और इस क्लास में तकरीबन हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा भैया ए अनुपात बी बराबर है 3:4। क्वेश्चन में फिर कह रहा है कि बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 8:9। तो क्वेश्चन में पूछा है ना कि ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, और ये दोनों में मेडिएटर का काम कर रहा है बी। मेडिएटर उसको कहते हैं जो दोनों में क्या हो, घनिष्ठ हो, कॉमन हो, उसी को मेडिएटर कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस घर में बी मेडिएटर है और इस घर में बी ही मेडिएटर है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को मेडिएटर कहते हैं। अब यहाँ पर बी का वैल्यू रेशियो में दिया है 4, और यहाँ पर बी का वैल्यू रेशियो में दिया है 8, और आप देख रहे हैं कि मेडिएटर समान नहीं है। जब मेडिएटर समान नहीं रहता है तो मेडिएटर को समान किया जाता है, और समान करने के लिए एलसीएम लिया जाता है। तो एलसीएम लेंगे भैया 4, 8 का एलसीएम 8, 8 बनाने के लिए एकरा में 2 से गुना करिए, तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब हमारा क्वेश्चन में पूछा था ए और सी, तो ए का वैल्यू हो गया 6 और सी का वैल्यू हो गया हमारा 9। इसको काट दीजिए, 2 × 6 और 3 × 9, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इसको जल्दी में करने के लिए, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और में, अगर ए अनुपात बी बराबर दिया है आपका 3:4 और क्वेश्चन में बी अनुपात सी बराबर दिया है आपका 8:9, तो अगर आपको ए अनुपात सी निकालना है तो पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकल जाएगा, और पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो लास्ट वाला वैल्यू निकल जाएगा, मतलब सी वाला। तो ए हो जाएगा 8 × 24, ए का वैल्यू निकल गया, और लास्ट का गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये सी का वैल्यू निकलेगा, तो 9 × 36। ठीक है, अब इसको काट दीजिए ना, 12 × 24 और 12 × 36 यानी 2:3, तो इस तरीका से करेंगे तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर 3:2 दिया है, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:2, और बी अनुपात सी बराबर दिया है 3:4। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अनुपात सी बराबर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा भैया, ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात सी पूछा है आपसे, तो हमने बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे ना तो ये फर्स्ट वाला निकल जाएगा, अब पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ कर देंगे ना तो ये लास्ट वाला निकल जाएगा। तो ए का वैल्यू 3 × 9 और सी का वैल्यू 4 × 8, तो यही फाइनली आपका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। चलिए आइए 3 क्वेश्चन देखा जाए भाई। 3 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है कि W1 अनुपात W2 बराबर दिया है 2:3, और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि W1 और W3 बराबर दिया हुआ है आपका क्वेश्चन कितना, 1:2। तो क्वेश्चन में पूछा है, कह रहा है कि W2 अनुपात W3 इक्वल टू व्हाट, तो कुछ नहीं करना है, वही चीज़ मेडिएटर का काम कर रहा है W, ये पहला घर हो गया, ये दूसरा घर हो गया, और दोनों में मेडिएटर का काम W1 कर रहा है। तो भैया W1 का वैल्यू यहाँ पर रेशियो में 2 है, और यहाँ पर W1 का वैल्यू रेशियो में 1 है, और दोनों ये मेडिएटर का काम कर रहा है, तो यहाँ पर 2 वैल्यू है रेशियो में और यहाँ पर 1 वैल्यू है, जबकि दोनों अलग अलग नहीं हो सकता है, मेडिएटर सेम होता है, इसलिए इसको सेम बनाने के लिए केवल इसमें 2 से ही गुना कर देंगे तो ये पहला घर का मेडिएटर दूसरा घर का मेडिएटर सेम हो जाएगा। रेशियो का रूल होता है जब इसके एक टर्म में 2 से गुना तो इसके साथ जो भी टर्म दिया रहेगा उसमें भी 2 से गुना कर देंगे। अब W2 और W3 पूछा है, तो W2 यानी कि रेशियो में दिया है आपका 2 और W3 यानी 2 दुना कितना हो जाएगा 4। ठीक है, W2 कह रहा था ना भैया, W2 यहाँ पर 3 है, क्या है 3 है, क्योंकि ये W1 था भैया, ठीक है, तब ना W1 ये बराबर हो जाएगा, ये W2 हो जाएगा 3 और W3 पूछा था तो 4, यानी रेशियो हो जाएगा 3:4। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जिसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए 4 क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि AB बराबर 64 है तो निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए AB बराबर 64 दिया है तो कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है,
और ऑप्शन दिया क्या है, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ऑप्शन ए में क्या दिया है, दिया है 8:A = 8:B। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है कि 16:B/4। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, 8:8/B/8। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, 32:A/B/2। अब आपको क्या करना है भैया, आप जानते हैं इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कि ये कथन सत्य है कि नहीं, चेक करते हैं पहले। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8:A और बराबर के जगह पर हम समान अनुपात लिख सकते हैं 8:B। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर के गुना दूर से, तो भैया 8A = 8B। ठीक है, 8A = 8B। आइए सबसे पहले जो है फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन है ए में उसको चेक करते हैं। देखिए हमने क्या करा, 8:A था और बराबर के जगह पर मैंने, बराबर मतलब होता है समान अनुपात में, फिर मैंने क्या किया 8A = 8B, चूंकि हमको ए बी बराबर 64 चाहिए था। अब 8A = 8B है तो ये हमारा जो ऑप्शन है गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हम करेंगे क्या, 8:16 और समान बराबर है वहाँ पर हम समानुपात दे देंगे 2:4। नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, तो 16B = 4A। यो गलत हो गया क्योंकि हमको ए बी बराबर 64 चाहिए था। फिर जाते हैं 8:8/2:8। हे जा 8B, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, तो 8B = 8A। यो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो जब तीन गो ऑप्शन चेक कर लीजिएगा तो चौथा चेक करने की जरूरत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, बट यहाँ पर हम चेक करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 32:A = 2:2। नदी का गुना नदी से, दूर के गुना दूर से, ए बी बराबर 64 और हमको यही लाना था कौन ऑप्शन में, ये LHS = RHS आ जा रहा है, तो यही एक ऑप्शन था, तो ये मेरा ऑप्शन, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाँच नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। यदि 8:B = 3:4, 8:B = 3:4, थोड़ा सा शैडो बन रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा। अब कह रहा है 2:C = 4:7, 2:C = 4:7। तो क्वेश्चन में पूछा है कि a + b + c अब बटे में c बराबर क्या होगा। अब आपको क्या करना है, ये पहला घर है दूसरा घर में, दोनों में मीडिएटर खोजिए कौन है। तो देख रहे हैं कि एकरा में b है, अहे घर में b है, तो मीडिएटर उसको कहते हैं जो दोनों में उभनिष्ठ हो, कॉमन हो। ठीक है, और b का रेशियो में वैल्यू दिया है 4 है, जो b का वैल्यू दिया है 4, तो मीडिएटर क्या है, समान है। तो यहाँ पर समान है, तो जब ऑलरेडी समान है पहले से, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप निकाल लीजिए a + b + c, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, c का वैल्यू 7। अब a + b + c, तो भैया 3+4 जोड़ दीजिए और 7 जोड़ दीजिए, बटा में c हमारा है 7, तो हो जाएगा 7 × 4 = 11, 14 = 7। काट देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2, यही आंसर हो जाएगा। छः नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। यदि a का 60% बराबर है b का 3/4 के, परसेंट हटाएंगे ना तो बट्टा में हमारा 100 हो जाएगा, 20 × 60 = 20, 25 = 100। अब तिरछा गुना करिए ऐसे और ऐसे, तो 4×12 a हो जाएगा और 5×15 b हो जाएगा। 4×12 a, 5×15 b, काटिए ना, 4×12 और 5×15। जब दो निश्चित राशियाँ, मतलब 4a = 5b, जब दो निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हो रहे हैं तो उसका गुणांक पलट जाता है, यानी a/b का वैल्यू हो जाएगा 5:4 और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए सात नंबर क्वेश्चन देखा जाए। सात नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, a = b/4/5। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, b = c/5/2। हमने आपको बताया था जिस राशि में का लगा रहेगा, देखिए ये हो गया आपका कौन सी, ये राशि हो गया और इसमें का लगा है, तो किसके साथ का लगा है, तो b के साथ, तो b के साथ का लगा है और जिस राशि में का लगा रहा था उसको हर मानते हैं, यानी हमारा हो जाएगा a/b = 4/5। अब यहाँ पर देखिए ये राशि हो गया और इसमें का लगा हुआ है, तो किसके साथ, सी के साथ, तो सी का वैल्यू हो जाएगा हर, यानी ये वाला वैल्यू हो जाएगा और बी का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा,
तो यहाँ पर लिखेंगे बी अनुपात सी, बी अनुपात सी, बी का वैल्यू हो जाएगा 5 और सी का वैल्यू हो जाएगा आपका कितना 2। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा था भैया ए अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात सी, तो ए अनुपात सी आपसे पूछा है और मैंने आपको निकालने के लिए बताया है कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करिए ए वाला वैल्यू निकलेगा, अब पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करिए लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। तो 5 × 4 = 20 गुना कर दीजिए, अब 5 × 2 = 10 काट देंगे, 10 × 20 यानी 2:1 और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8 नंबर, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन। x/y = 12/5 है, z/y = 21/16 है, तो कह रहा है कि x/z = क्या होगा। हमने कहा कि ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, पहला घर में मेडिएटर वाई है, दूसरा घर में भी मेडिएटर वाई है, दोनों घर में जो कॉमन होता है वही आपका मेडिएटर का काम करता है। अब जरा गौर करिए, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 16 है, मेडिएटर समान नहीं है, और मेडिएटर समान करने के लिए एलसीएम लेते हैं, तो इसमें 16 से गुना करेंगे और इसमें 5 से गुना करेंगे। अब देखिए वाई का वैल्यू 80 है, वाई का वैल्यू 80, जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, जब इसमें 16 है तो इसमें भी 16 है, और क्वेश्चन में पूछा है एक्स अनुपात जेड, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर 12 × 16 है, तो हमको यहाँ पर लिख दिए, और जेड का जो वैल्यू है, जेड का वैल्यू यहाँ पर 21 × 5 है, तो भैया 21 × 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब काट दीजिए, 7 × 3 = 21 और 4 × 3 = 12, तो 16 × 4 = 64 और 7 × 5 = 35 यानी 64:35 यही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, 2a = 3b, आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा भैया, 4b = 5c। हमने बोला है कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो उसका गुणांक पलट जाता है, मतलब लिखाएगा कैसे, a अनुपात b 3:2, हैजा पलट देंगे तो भैया b अनुपात c 5:4, एकरा में मेडिएटर का काम b कर रहा है, मेडिएटर ही पहला घर ही दूसरा घर, एकरा में मेडिएटर b है, एकरा में मेडिएटर b है, यहाँ पर b का रेशियो में वैल्यू 2 है और यहाँ पर b का रेशियो में वैल्यू 5 है, तो हमको हर हाल में मेडिएटर को समान करना है, तो मेडिएटर को समान करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिएगा, तो 2×5 = 10 हो जाएगा, 10 बनाने के लिए एकरा में 5 से गुना और 10 बनाने के लिए एकरा में 2 से गुना। अब देखिए मेडिएटर का वैल्यू 10 है, जब मेडिएटर का वैल्यू 10, मेडिएटर समान हो गया, जब इसमें 2 से गुना करेंगे तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे, इसमें 5 से करेंगे तो इसमें भी 5 से करेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ए अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा, ए अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 15 और भैया सी का वैल्यू यहाँ पर कितना था, 4×8, 15:8 यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, 10 नंबर का रहा है a अनुपात b = 7:9, और फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि b अनुपात c = 1:5, ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा था ए बी सी का रेशियो क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू व्हाट, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर मेडिएटर काम, मेडिएटर यहाँ पर देख लीजिए b है, तो यहाँ पर देखना है दूसरा काम हमारा ये है कि b यहाँ पर 9 है और यहाँ पर b 1 है, तो मेडिएटर को समान करना है, तो इसको समान करने के लिए केवल इसमें 9 से गुना कर देंगे ना, तो मेडिएटर हमारा समान हो जाएगा, ठीक है, तो जब एकरा में 9 से तो एकरो में 9 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या करना है, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 7, b का वैल्यू हो जाएगा 9 और c का वैल्यू हो जाएगा 45, हर हाल में मेडिएटर को आपको समान करना होगा तब जाके इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि a अनुपात b बराबर है 5:7 तथा b अनुपात c बराबर है 6:11, तो a अनुपात b अनुपात c इक्वल टू व्हाट, आइए देखिए इसको सॉल्व करा जाए। कह रहा है a अनुपात b बराबर दिया है 5:7, अब b अनुपात c बराबर दिया है 6:11, तो ए बी सी का वैल्यू पूछा है, ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू व्हाट, तो मेडिएटर का काम जानते ही है बी है, मेडिएटर इन दोनों में, ये पहला घर ये दूसरा घर, और दोनों में मेडिएटर का काम बी कर रहा है, और आप देख रहे हैं बी का यहाँ पर रेशियो दिया है 7, हैजा जो है ना बी का रेशियो दिया है 6, अब मेडिएटर को समान करिए, मेडिएटर तो आपको पता चल गया, जब मेडिएटर पता चल गया तो मेडिएटर को समान करना पड़ता है, और मेडिएटर को समान करने के लिए दोनों का एलसीएम लेना होता है, तो 6 7 का एलसीएम लेंगे तो 42 होगा, तो 42 बनाने के लिए एकरा में 6 से गुना, 42 बनाने के लिए एकरा में 7 से गुना, तो लीजिए हम 7 से कर दिए, हैजबा 6 से गुना तो एकरो में 6 से कर दिए,
अब एबीसी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 6 5 30, बी का वैल्यू 42 और सी का वैल्यू 77, और भैया ये हमारा आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। 1/x = 1/y = 1/z बराबर दिया है 2:3:5। तो क्वेश्चन में पूछा है क्या एक्स वाई जेड बराबर क्या होगा, तो एक्स वाई जेड बराबर आपसे क्वेश्चन में पूछा x/y/z = what। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, 1/x बराबर दिया है 2:3:5, ठीक ना। तो अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा, y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा और z का वैल्यू हमारा 1/2 है। जब 1/x का वैल्यू 2 है, ठीक है, तो x अगर निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, समझ रहे हैं, 1/2 हो जाएगा। कैसे देखिए हम आपको समझा दे रहे हैं, 1/ अगर x लिखेंगे या बराबर 2 रखेंगे तो 2x = 1 हो जाएगा, इसलिए x का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/2। तो वही चीज़ जो है बार बार लिखेंगे तो ये चीज़ आएगा, तो हम डायरेक्ट ले लिए। अब यहाँ पर आप एलसीएम लीजिएगा ना, तो 2, 3, 5 का एलसीएम हो जाएगा 30, 30 का 1/2 करिएगा 15, 30 का 1/3 करेंगे 10, 30 का 1/5 करेंगे 6, तो ये हमारा आंसर होगा। लेकिन ठहरिए, एक और तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या था कि अगर 1/x = 1/y = 2, 3, 5 था, तो हमारा हो जाएगा x डायरेक्ट आंसर क्या होगा, x y z का डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ये झाँप मेथड, एक रह के झाँप दीजिए, झाँप दीजिएगा तो बचा 2, 3, 5, 15, तो ये 15 हो गया, हैगरा का झाँप दीजिए 5, 2, 10, हैगरा का झाँप दीजिए 2, 3, 6, तो 15, 10, 6, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं झाँप मेथड, कौन मेथड, झाँप मेथड, ठीक है भाई। 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि यदि 2a = 3b = 4c हो तो a/b/c = क्या होगा। गौर करिए, 2a = 3b = 4c हो तो कह रहा है कि a/b/c = क्या होगा, ये पूछा है। तो एकरो में कौन मेथड लगाइएगा, झाँप मेथड लगाइए, कौन मेथड, झाँप मेथड लगाना है, ध्यान दीजिए। तो हेकरा का झाँप दीजिए तो 12 हो जाएगा, हेकरा का झाँपेंगे तो 4 2 8, हाई देखिए हेकरा का झाँपेंगे तो 2 3 6, ठीक ना, जौना का झाँप देंगे वह वैल्यू निकलेगा, तो 2 3 6 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए ना, एकरा का झाँपे तो 4 3 12 हुआ ना, एकरा का झाँपे तो 4 2 8 हुआ, एकरा का झाँपे तो 2 3 6, काटिए 6 2 12, 4 2 और 3 2 9, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है a/3 = b/4 = c/5 हो तो a/b/c = क्या होगा। देखिए a/3 = b/4 = c/5, तो क्वेश्चन में कहा है कि a/b/c = क्या होगा, a/b/c = क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है हम इसको कैसे लिखेंगे, गौर करिए, यहाँ पर a का रेशियो हो जाएगा 3, b का रेशियो हो जाएगा 4 और c का रेशियो हो जाएगा 5। कैसे, हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक निश्चित राशियाँ आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसका गुणांक को पलट के लिखते हैं। अब कैसे लिखते हैं जरा गौर करिए, जैसे हमारा था ना a/3, तो a/3 है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a का 1/3 लिखेंगे ना, ठीक है, और हम यहाँ पर लिखेंगे b का 1/4। तो वही हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो उसका गुणांक पलट जाता है, यानी a का गुणांक हो जाएगा 1/3 है तो पलट जाएगा 3/1। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर ये चीज लिखा है, तो ये थोड़ा आपको समझा दिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको मिटाते हैं, अब जरा गौर करिए, ये हमारा a/b/c निकल गया और यही तो पूछा था, तो 3:4:5 आंसर हो जाएगा, 3:4:5। तो आइए क्वेश्चन 15 देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, a/b/3 आगे कह रहा है कि b/c/2, ठीक ना। अब इधर ध्यान दीजिए, इधर तिरछा तिरछी गुना करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3a = 1b, हैजा बटा में कुछ नहीं तो एक है, तो 2b = हो जाएगा 1c। और आप जानते हैं कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहा है तो उसका गुणांक को पलट के लिखते हैं, तो a/b = 1:3
हैजा लिखेंगे बी अनुपात सी, अगर गुणांक पलटिए तो कितना हो जाएगा, एक अनुपात दो। अब यहाँ पर मेडिएटर का काम देखिए कौन कर रहा है, बी कर रहा है, और यहाँ पर तीन वैल्यू है, यहाँ पर एक वैल्यू है, तो मेडिएटर समान नहीं ना है, तो मेडिएटर को समान करने के लिए क्या करेंगे, एकरा में कितना से गुना, तीन से गुना, तो एकरा में तीन से तो हेकरों में कितना से, तीन से। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू एकरा में कितना, और सी का वैल्यू, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। आइए 16 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि यदि ए का 30% बराबर है बी का 0.25 बराबर सी का 1/5। क्वेश्चन में कह रहा ना कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। देखिए ना, इसको हम परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 2 शून्य आ जाएगा, एगो शून्य से एगो शून्य कट जाएगा, ये प्रतिशत नहीं है भैया, ये आपका डेसिमल है, तो डेसिमल के लिए 2 शून्य 25 एकम 25 चौका। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो ए का 3/10 बराबर बी का 1/4 बराबर सी का मतलब गुना 1/5। अब एक चीज यहां पर आपको करना होगा, हमने आपको बताया था कि जब दो या दो से अधिक निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हो रहा है तो उसका गुणांक को क्या करते हैं भैया, पलट को लिखते हैं, पलट का लिखते हैं और हर कैल्शियम लेकर के प्रत्येक पद में गुना कराते हैं। लेकिन हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लिए कि हम इसको पलट दिए, तो पलट दिए तो 3/10 को पलट दिए तो 10/3 हो गया। हमने क्या बोला था कि ए का गुणांक को पलट के लिखते हैं, 10/3, बी का 1/4 है तो 4/1 हो जाएगा, और यहाँ पर सी का 1/5 है तो 5/1 हो जाएगा। फिर हर कैल्शियम लेंगे तो हर कैल्शियम 3 होगा, अरे हर नीचे वाला होता है ना, कैल्शियम 3 हेकरा का 3 बनाने के लिए एकरा में 3 से गुना, तो ऊपरों में 3 से गुना, हेकरा का 3 बनाने के लिए 3 से गुना, तेकरों में 3 से गुना, तो है 3 कट जाएगा ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा, अगर निकाला जाए तो ए बराबर बी बराबर सी का मतलब हो जाएगा 10, 12 और 15। लेकिन हम आपको डायरेक्ट सिखा रहे हैं, ये तो बेसिक चीज हो गया, जो मैंने आपको थ्योरी में जो भी बात बोला था तो बेसिक हो गया। लेकिन इसको अगर डायरेक्टे करना है तो कैसे करेंगे, ये एज्यूम कर लेना है कि हम इसको पलट के रखे हैं, ये पलटे हुआ है, ये ऊपर वाला हर है, मान लीजिए ये तो अंश है, मतलब अंश है, लेकिन हम इसको पलटे हैं तो इसको हर मानेंगे, और हर कैल्शियम लेंगे 3, 1, 1 कैल्शियम 3 ना, तो 3 मनाने के लिए एकरा में 3 से गुना, एकरा में 3 से गुना, तो हेकरों में 3 से गुना, हेकरों में 3 से गुना, कहाँ है, क्योंकि यहाँ पर 3 था, 3, 1, 3 कैल्शियम 3, तो हेजा 3 बनाने के लिए तो 1 से गुना करिए चाहे ना करिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हेकरा में 3 से गुना करेंगे तो नीचे हो 3 से, हेकरा में 3 से तो नीचे हो 3 से, अब ये 3 कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए 10 और बी कितना हो जाएगा 12 और सी कितना हो जाएगा 15। तो आप एज्यूम कर लीजिए पहले ही ना कि हम इसको पलट लिए हैं, और पलट लिए हैं ना तो ये आंसर नहीं, अब हर का काम करेगा, क्यों, क्योंकि हम इसको पलट लिए थे, तो इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, A/3 बराबर B/4 बराबर C/7। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि भैया A+B+C अब बटे में C=what। तो हम आपको बताए थे कि जब दो या दो से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए। चलिए, तो अब यहाँ पर हमने बोला कि जब दो या दो से अधिक निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो इसका गुणांक पलट जाता है, तो एक का गुणांक 1/3 है, पलट के लिखेंगे 3/1, नीचे लिखिए चाहे एक ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक और गुणांक है 1/4 तो पलट देंगे तो 4/1 होगा, एक लिखिए चाहे ना लिखिए, हैजा सी हो गया पलट देंगे तो 7/1, एक लिखिए चाहे ना लिखिए। अब ए बी सी का वैल्यू पूछा तो 3+4+7 अब बटे में सी कितना 7, तो 7, 4, 11, 3, 14, 14/7 काट देंगे 2 से, यानी 2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि A अनुपात B अनुपात C बराबर दिया है 2:3:4। क्वेश्चन में कह रहा है कि A/B B/C C/A = what। ए बटा बी मतलब ए का रेशियो दिया है 2, बी दिया है आपका 3, अब बी दिया है आपका 3 और सी दिया है आपका 4, और सी दिया है आपका 4, ए दिया है 2, तो काट देंगे 2 से तो 2/1 ना। अब हर का एलसीएम लीजिए भैया, 3, 4, 1 का एलसीएम अगर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 12 ना, अब 12 बनाने के लिए करा मैं 12 से गुना,
तेहो में 12 से गुना, 12 बनाने के लिए क्रम में 3 से गुना, तो इसमें भी आपको 3 से गुना करेंगे। 12 बनाने के लिए क्रम में 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो ये 12 12 कट जाएगा भैया, तो हो जाएगा 8:9:24 और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए अनुपात बी बराबर 3:4, ए अनुपात बी बराबर दिया है 3:4। फिर क्वेश्चन में कह रहा है बी अनुपात सी 5:7, सी अनुपात डी 8:9, सी अनुपात डी कितना दिया है 8:9। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो आपको मैंने बताया था कि पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा मतलब ए, अब पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा मतलब डी। लेकिन आपसे क्वेश्चन में एबीसीडी नहीं पूछा हुआ है, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, ए अनुपात डी पूछा हुआ है, इसमें ए अनुपात डी पूछा हुआ है और हमने जो है 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया था। ठीक है, तो ए अनुपात बी 3:4 दिया है, बी अनुपात सी 5:7 दिया है, सी अनुपात डी 8:9 दिया है, तब पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ करेंगे ना तो ये आपका ए का वैल्यू निकलेगा, अब पूरा लास्ट के गुना लास्ट के साथ करेंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, 4 दुना कितना हो जाएगा 8, फिर ये काटेंगे 3 3 9, तो ये हो जाएगा 5 2 10 और 7 3 21, यानी 10:21 ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 20 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, बी अनुपात सी बराबर 9:7, बी अनुपात सी बराबर 9:7, फिर कह रहा सी अनुपात डी तो भैया 14:15। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी डी मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू व्हाट, तो हम आपको बोले थे कि अगर पूरा फर्स्ट के गुना फर्स्ट के साथ कर देंगे तो ये फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, अब पूरा लास्ट के गुना अगर लास्ट के साथ कर देंगे तो ये लास्ट वाला वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि 9 2 18, 18 में 14 से गुना कर देंगे तो भैया 18 में 14 से गुना करेंगे तो 252 हो जाएगा मेरे समझ से, 18 4 72 7 18 7 25, यानी 252, तो यहाँ पर 252 हो गया। अब ए रेशियो में यहाँ पर दिया है 2, ए रेशियो में दिया है 2 और यहाँ पर ए का निश्चित राशि में दिया है 252, तो 252 बनाने के लिए एकरा में 126 से गुना करेंगे तो हेकरों में 126 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमारा बी का वैल्यू हमारा यहाँ पर हो गया कितना 378, क्योंकि 6 3 18 बढ़ती है 36 137, 6 3 18 के 88 लेख बढ़ती है 36 137, 378 ये हमारा हो गया 378। ठीक है, अब 378 ये बी का वैल्यू है, यहाँ पर रेशियो में 9 है, यहाँ पर रेशियो में कितना है 9 है, तो ऐसा करिए ना 9 से भाग दे दीजिए क्रम में, तो 9 4 36 कट गया 1 18, यानी 42 हो गया भैया, तो हेजा 42 से गुना कर देंगे तो हेजो 42 से गुना करना पड़ेगा। ठीक ना, और यहाँ पर अब यहाँ पर गौर करिए 42 × 294 होता है और 294 हो गया, यहाँ पर C का वैल्यू 294 है, ये 294 है और यहाँ पर C का वैल्यू रेशियो में 14 है, तो 294 बनाने के लिए क्रम में 21 से गुना करते हैं तो हेकरों में 21 से गुना करेंगे। ठीक है, अब हमारा हो जाएगा एक, देखिए आपसे क्वेश्चन में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का वैल्यू पूछा था, तो ए का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 × 126। ठीक है, बी का वैल्यू हमारा 3 × हो जाएगा आपका 126 और सी का वैल्यू हमारा कितना है 7 × 42 और डी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 15 × 21 कटाइए ना 21 एकम 21, 21 × 42, 21 × 126, 21 × 126, यानी ए का वैल्यू 6 × 12, 6 3 18, 7 2 14 और 15, तो यही हमारा ए बी सी डी का अनुपात का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, आइए 21 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। 21 क्या कह रहा है, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर है 1/2 / 3/8, बी अनुपात सी दिया है 1/3 / 5/9 और क्वेश्चन में कह रहा है कि सी अनुपात डी बराबर दिया है 5/6 / 3/4।
काटिए, इसको काटेंगे तो दो चौके आठ यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे, बोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 4:3। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 3 3 9, ये 9 है तो ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3:5 हो जाएगा, हैजा हो जाएगा सी अनुपात डी, तो इसको काटिए ना, 3 2 6 2 2 4 यानी 10:9, 10:9। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन में पूछा था ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू क्या होगा, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर हमने आपको बताया था ना पूरा फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ करेंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकल जाएगा, आप पूरा लास्ट का गुना लास्ट के साथ करिएगा तो लास्ट वाला वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए ना, 5 3 15 35 यानी डी हमारा 135 हुआ और ए हमारा हो गया 10 3 30 120 हो गया, ठीक ना। तो अब बताइए डी 135 है, यहाँ पर 135 बनाने के लिए इसमें 15 से तो इसमें भी 15 से है, या ए हमारा 120 है तो 120 बनाने के लिए करें 30 से गुना, तो इसमें भी 30 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर बी का वैल्यू निकल गया 90 और यहाँ पर बी रेशियो में 3 है तो 90 बनाने के लिए करें 30 से गुना करेंगे तो इसमें भी 30 से गुना कर देंगे। अब हमारा ए का वैल्यू निकल गया 30 4 120, अब बी का वैल्यू निकल गया 90, सी का वैल्यू निकल गया 150 और डी का वैल्यू निकल गया 135। काट दीजिए, 15 8 20 15 6 90, 15 10 150, 15 9 35 और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:9:1:3, बी अनुपात सी बराबर दिया है 2:7:5:14। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है, आगे और भी दिया है, डी अनुपात सी बराबर दिया है 7:10 और उसके बाद 3:5, इसको काट देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, तो ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 2:3, हैजा करेंगे तो 7 2 14, तब बी अनुपात सी बराबर कितना हो जाएगा 4:5, हैजा काट देंगे 5 2 10, तो सी अनुपात डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 7:6 नहीं होगा पहले सी ना, तो 3 2 6, तो सी 6:7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आपसे जो कहा है, करा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे पूरा फर्स्ट का गुना फर्स्ट के साथ कर देंगे तो फर्स्ट वाला वैल्यू निकलेगा, तो 6 4 24 2 कितना हो जाएगा 48, ऐसा करेंगे 7 5 15 7 75 से तो यानी डी का वैल्यू निकल गया 105। अब ऊपर से चाहे नीचे से कहीं से बढ़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ए 48 है निश्चित राशि में, रेशियो में 2 है, 48 बनाने के लिए कर में 24 है ना गुना, तो एक में 24 से गुना कर देंगे। अब बी यहाँ पर हो गया 72 लेकिन बी यहाँ पर है 4 तो इसको 72 बनाने के लिए 18 से ना, तो इसमें भी 18 से, सी यहाँ पर 90 है लेकिन सी यहाँ पर रेशियो में 6 है तो इसको 90 बनाने के लिए 15 से गुना, तो इसमें भी कितना से 15 से, तो ये हो जाएगा ए का वैल्यू 48, बी का वैल्यू 72 और सी का वैल्यू कितना 90 और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 105। काटिए, 16 3 24 3 30 3 35 3, कटेगा और तो कटाएंगे, अगर नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर करिए, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:7:11 और फिर आगे कह रहा है कि बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर दिया है आपका 21 33 44। तो क्वेश्चन में पूछा है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इक्वल टू व्हाट, सबसे पहले जो है ना आपको क्या करना है भैया, मेडिएटर देखना है, क्या देखना है मेडिएटर, तो यहाँ पर मेडिएटर क्या है बी है और सी भी है, दो मेडिएटर है, कोई एक मेडिएटर को समान कर दीजिए, कोई एक को समान करिएगा ना तो दूसरा ऑटोमेटिक समान हो जाता है, जैसे हमने बी यहाँ पर देखा कितना है 7 और यहाँ पर बी कितना दिया है 21, इसको समान कर दीजिए, समान करने के लिए 7 21 का एलसीएम लेंगे तो 21 होगा, तो एकरा में 3 से गुना कर देंगे, देखिए मेडिएटर समान हो गया, जब एकरा में 3 से तो एकरो में 3 से, एकरो में 3 से, अब ABCD निकाल दीजिए आराम से। तो भैया ए का वैल्यू हमारा निकल गया 12,
बी का वैल्यू हमारा कितना है 21, सी का वैल्यू कितना है 33 और डी का वैल्यू 44। कटेगा तो कटा देंगे, तो नहीं कटेगा तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए फोर मतलब ए के पावर फोर अनुपात बी के पावर फोर इक्वल टू क्या होगा। गौर करिएगा, देखिए ए अनुपात बी बराबर दिया है बी अनुपात सी, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के पावर फोर अनुपात बी के पावर फोर इक्वल टू व्हाट। एगो बात आपको बताए थे, ए अनुपात बी बराबर का मतलब होता है समान अनुपात, और समान अनुपात का सिंबल कुछ इस तरह से लिखते हैं। नहीं, अब क्या करेंगे, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से हो जाएगा। तब बी स्क्वायर बराबर कौन सी हो जाएगा, ए सी। बी स्क्वायर बराबर कौन सी, ए सी। अब इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हम ए के स्क्वायर के पावर स्क्वायर कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, हैजा क्या कर सकते हैं बी स्क्वायर के पावर में स्क्वायर, कोई दिक्कत है। अब ए स्क्वायर के पावर दो है मतलब ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर है ना, अब बी स्क्वायर बराबर दिया है कौन सी, ए सी ना, ए सी। तो हैजा लिखेंगे ए सी, ए सी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो ए स्क्वायर गुणे ए स्क्वायर अनुपात एकरो स्क्वायर है जी, एकरो स्क्वायर है मतलब दोनों का स्क्वायर है, दोनों कोष्टक में है, ए सी कोष्टक में है मतलब दोनों का स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखा जाए भैया। 25 कह रहा है ए का 15%, ए का 15% बराबर है बी के 20% के, तो कुछ नहीं करना, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, 3 5 है और 4 5 है, तो भैया 3a बराबर 4b। और हम आपको कितना क्वेश्चन ऐसे बना दिए कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो उसका गुणांक पलट जाता है, तो a का हो जाएगा 4 और b का हो जाएगा 3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a b से 40% अधिक है और तथा b c से 20% कम है, तो a अनुपात c बराबर क्या होगा। ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि a b से 40% अधिक है, b से 40% अधिक है, जैसे क्वेश्चन दिया है हम उसको लिखते हैं, तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 होगा, कि 20 दूना 20 पाँच है, तो देखिए ये राशि जो है किसके साथ है, बी के साथ, ठीक ना। ये देखना है कि ये राशि जो दिया है माने इस राशि में किसके साथ का या से लगा हुआ है, तो बी के साथ से लगा है, तो बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 5, और ए जो है ना इससे 2 अधिक है, यानी भैया ए अनुपात बी यानी कि इससे 2 अधिक है, तो ए हो गया 7, ये हो गया आपका 5। दूसरा बात आपसे क्या कर रहा था, बी क्वेश्चन में कह रहा था बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, और मैंने आपको बताया था क्या है ये कम है, लिख देते हैं कम है, तो परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 20 से कम है कि 20 5 100। तो देखिए देखना है कि इस राशि में का या से लगा हुआ है, किसके साथ का या से लग रहा है, जिस राशि में का या से लगा रहा है, तो देखिए सी के साथ से लगा है, तो जिसमें से लगा रहा है तो उसको हर्ण मानते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं सजा के बी अनुपात सी, तो सी में हमारा से लगा है तो 5 होगा, और 5 से एक कम है कौन सी बी, तो ये हो गया हमारा 4। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, मेडिएटर का काम बी कर रहा है, तो यहाँ पर मेडिएटर समान नहीं है, तो मेडिएटर को समान करेंगे, समान करने के लिए एकरा में 4 से गुना, एकरा में 5 से गुना, तो एहू में 5 से गुना करेंगे, एकरा में 4 से तो एहू में 4 से। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि बताइए ए अनुपात सी इक्वल टू क्या होगा, तो भैया ए अनुपात सी, ए का वैल्यू दिया 28 और सी का वैल्यू हमारा दिया है 25, तो यह ना हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 27। देखिए पहले जो क्वेश्चन था 26 नंबर था, बट उसमें 27 नंबर डाला गया था, तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि ये 27 में 26 कहाँ से आ गया, ठीक है। तो आप जो है 27 नंबर क्वेश्चन, वहाँ पर 26 नंबर का 27 डाला गया था, समझ गए होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 27। ए अनुपात बी बराबर 2:3, ए अनुपात बी बराबर दिया है 2:3, और बी अनुपात सी दिया हुआ है आपका 4:5। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी इक्वल टू व्हाट। तो ए प्लस बी, तो सबसे पहले मेडिएटर को समान करिए, तो 4 3 मेडिएटर है, तो यहाँ पर 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे, एकरा में 4 से, तो हमारा निकल गया ए बी सी 8 12 15।
तो ए प्लस बी करेंगे तो 8 प्लस 12 ना, हैजा हो जाएगा बी 12 प्लस 15, तो भैया 20 अनुपात 27 यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, अब कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर कर रहा है, एक्स का वैल्यू यहां पर 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 1 का स्क्वायर, हैजा करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अब भैया 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाएगा 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 है कितना, तो 3:5। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन यहां पर है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहां पर जो दिया है, एक्स का रेशियो में अनुपात दिया है, वाई का यहां पर अनुपात दिया हुआ है, वाई का वैल्यू, तो एक्स वाई बोले तो एक्स का वैल्यू दिया है 7 × 3, वाई वाई कितना दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 × 21, 3 का स्क्वायर 9, इधर हो जाएगा 7 × 7 49, 3 का माइनस 9 हो जाएगा, तो 21 × 9 = 30 है, बट्टा में कितना हो जाएगा 40, 1 × 0 = 1 कट जाएगा, यानी 3/4, 3/4 को हम 3:4 के रूप में लिख सकते हैं, या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब देख लीजिए आंसर जो है किस रूप में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 30 बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, आइए देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर x का वैल्यू दिया है 2, तो 3 × 2 कर देंगे प्लस 2, y का वैल्यू दिया है 5, केवल मान पुट कर देना है एक्स वाई का, तो 2 × x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू 5, तो 5 × 5 सॉल्व करिए, 3 × 2 = 6, 5 × 2 = 10, तो 16 हो जाएगा ना, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25, तो 4 × 25 = 29, यानी 16:29, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 31 नंबर, कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 3:1 हो तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू अनुपात एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू व्हाट, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, x का क्यू बोले तो 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू, इधर कर देंगे तो 3 का क्यू माइनस 1 का क्यू, तो 3 का क्यू 27, 1 का क्यू 1, तो 27 से कितना हो जाएगा 28, 3 का क्यू 27 में से 1 का क्यू 1 घटा देंगे। आइए देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, और मिस्टेक क्या है, यहाँ पर माइनस था और भैया यहाँ पर प्लस था, लेकिन गलती से हमने यहाँ पर प्लस लिख दिया था, यहाँ पर माइनस कर दिया था, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, यहाँ पर केवल माइनस कर देना है और यहाँ पर केवल प्लस कर देना है, तो 3 का क्यूब कर देंगे तो 27 होगा, फिर 1 का क्यूब घटा देंगे तो 27 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 26, हैजा होगा 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब 1 होगा तो ये हो जाएगा 28, तो 13 × 6 = 20, 14 × 2 = 28, तो यही हमारा फाइनली आंसर होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए, यदि एक्स अनुपात वाई बराबर 3:4 तो 7x + 3y = 7x − 3y = क्या होगा। देखिए एक्स का वैल्यू पुट करिए तो 7 × x का वैल्यू 3 दिया है प्लस 3 × y का वैल्यू दिया है 4, अब यहाँ पर 7 × x का वैल्यू 3 माइनस 3 × y का वैल्यू 4, अब यहाँ पर 7 × 21 और 4 × 3 = 12, तो 21 × 12 हो जाएगा 33, और 17 × 21, 21 में से 12 जाएगा तो भैया 9 हो जाएगा, काटिए ना 11 × 3 = 33, 3 × 3 = 9, यानी आंसर आ जाएगा 11:3। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 33 नंबर, देखिए भाई x का मान पुट कर दीजिए इसमें, तो 10x का वैल्यू दिया है 3 प्लस 3 y का वैल्यू दिया है 5, केवल वैल्यू पुट कर देना है 5x का वैल्यू 3 दिया है प्लस 2 × y का वैल्यू 5 दिया है, कैलकुलेट करिए 10 × 3 = 30, 5 × 3 = 15, तो 30 × 15 = 45, और 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, तो ये हो गया 10 × 15 = 25, तो 9 × 5 = 45, और 5 × 5 = 25, तो 9:5 यही आपका फाइनली। तो आइए क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए भैया इधर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 8x = 5y, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट कर लिखते हैं, एक्स का वैल्यू 5 वाई का वैल्यू, जब मान पुट करिए 5 + 5, उसके बाद यहाँ पर करेंगे y का वैल्यू 8 है प्लस 8, तो 10 × 16, फिर काटिए ना 5 × 10 8 × 16, यानी 5:8। आइए 35 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, देखिए यदि 4x² − 3y² + 2x² + 5y² = 12:19 हो तो x/y = क्या होगा। ठीक है हैजे ले लीजिए डायरेक्ट, नदी का गुना नदी से, दूर के गुना, तो 19 में 4 से करेंगे तो 19 = 76x² - 19 = 57y²,
इधर से करेंगे 12 दूना 24 एक्स स्क्वायर प्लस 12 पचे 60 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है ना सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 52 एक्स स्क्वायर हाई जो है अपोजिट डायरेक्शन में जुटेगा तो 117 वाई स्क्वायर, काटेंगे 13वां 17 से या 13 चौका 52 तो ये हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर बराबर 9 वाई स्क्वायर। आप जानते हैं कि जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहता है तो इसका गुणांक पलट के ना लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9:4, तो एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर। अब जो इसको इस फॉर्म में करेंगे तो 3 का स्क्वायर अनुपात 2 के स्क्वायर, तो एक्स अनुपात वाई बराबर हो जाएगा 3:2, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 4xy हो तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर ये बराबर के उधर है, इधर आएगा तो माइनस 4xy हो जाएगा और प्लस 4y² इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2xy, 4xy को क्या लिख सकते हैं, माइनस 2xy लिख सकते हैं माइनस का, और ये 4y² बराबर 0 हो जाएगा। भैया x कॉमन लेंगे यहाँ पर तो x माइनस 2y हो जाएगा, हैनर माइनस 2y कॉमन लेंगे तो x माइनस 2y हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x माइनस 2y और हैने हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0 ना, तो x माइनस 2y बराबर 0 है ना, कुछ नहीं तो एक है, तो x बराबर हो जाएगा हमारा उन्हें जाकर 0+2y ना, तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर कुछ नहीं तो एक है, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक क्या होता है पलट जाता है, तो एक्स अनुपात वाई बराबर क्या हो जाएगा 2:1, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 37 देखा जाए, करा यदि x+y अनुपात x - y = 4:1 दिया है, तो हमने आपको बताया था जब दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहेगा तो बड़ा वैल्यू निकालने के लिए एक बार इन दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दीजिए, एक बार दोनों को घटा के दो से भाग दे दीजिए तो 3/2, घटाएंगे 4 में से 1 जाएगा 3/2 हो जाएगा, और हेकरा का जो है एक बार जोड़ दिया तो 4 × 1 5/2 हो गया। अब ये पूछा था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू 5/2 दिया है तो 5/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर अनुपात एक्स स्क्वायर दिया है तो 5/2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब 3/2 का होल स्क्वायर। तो भैया ये हो गया 25/4 हो जाएगा, ये होगा 9/4, यहाँ पर हो जाएगा 25/4 और माइनस 9/4, ठीक है। अब यहाँ पर 25 9 जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा, 34/4 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16/4, 4 से 4 कट गया, इसको काटेंगे तो 17 × 34 एक काटेंगे 8 × 16 यानी आंसर आ जाएगा 17:8, ठीक है। तो यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 38 नंबर देखिए ध्यान से, कह रहा है कि यदि 2a+3b उसके बाद कर अनुपात 3a-2b बराबर 19:9 हो तो a/b = क्या होगा। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे डायरेक्टली ले लेते हैं, नदी का गुना नदी से या दूर के गुना, तो 9 में 2 से गुना करेंगे ना तो 18a प्लस 9 × 27b बराबर 9 × 19 = 57a माइनस 19 × 38b। अब ये सेम डायरेक्शन में घटाइए तो हमारा हो जाएगा 39a और अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ दीजिए तो 65b, तो काटेंगे तो 13 × 39 और 13 × 5 = 65, 3a = 5b। जब दो निश्चित राशियां आपस में बराबर के रूप में दिया हुआ रहे तो उसका गुणांक पलट जाता है, मतलब a/b a का गुणांक हो जाएगा 5 और b का गुणांक हो जाएगा 3, और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखा जाए, 39 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 3a+5b = 3a-5b = 5:1 हो तो a/b क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। जरा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चन को, कुछ नहीं करना है, बस इसको डायरेक्ट लीजिए, ये बराबर है मतलब समानुपात है, यानी नदी का गुना नदी से दूर के गुना दूर से, तो वही हेकरा में करेंगे तो 3a+5b हो जाएगा, ठीक है, हेने करेंगे ना तो 5 × 3 = 15a, इसको कोष्टक से हटाइए ना, और इधर हो जाएगा आपका कितना 5 × 5 = 25b, तो 3a और 15a मतलब 15a, तो 12a हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में घट जाएगा, हाई अपोजिट डायरेक्शन में जाकर जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 × 5
सॉरी 5 छक्का और 2 छक्का, यानी 2a = 5b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो a का वैल्यू कितना, अब बी के, सॉरी गलत है, ए का वैल्यू 5 और बी का वैल्यू 2, यह आपका आंसर होगा। समझे? आइए क्वेश्चन 40 देखा जाए, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए भैया, 6 चौका 24a और माइनस 6 5 30b, इधर हो जाएगा 4a + 5b, तो हाई सेम डायरेक्शन में घट जाएगा तो 20a हो जाएगा, हाई अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ जाएगा तो 35b हो जाएगा। काटेंगे तो 4 5a और 7 5a, तो 4a = 7b, 4a = 7b, जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दी हुई रहे तो गुणांक को क्या करते हैं, पलट के लिखते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा भाई। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जरा क्या कह रहा है, कि 6:8 = 5:35 में लुप्त पद क्या है। कुछो न करना, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर का गुना दूर से, है वाट के जगह पर एक्स मान लीजिए, तो 5 × x = 6 × 35, और इसको काट देंगे 5 7, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा गौर करिएगा, कह रहा है कि यदि a + b · b + c · c + a = 6:7:8 तथा a + b + c = 14 हो तो c का वैल्यू क्या होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन, a + b · b + c · c + a = 6:7:8 है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि a + b + c = 14 हो तो c का वैल्यू क्या है। सही है, आ रहा है ना, ठीक है। अब यहां पर गौर करिए, ऐसा करते हैं सबको जोड़ते हैं, सभी को जोड़ने पर a + b, इसको सॉल्व करते हैं, b + c + c + a, तो जैसे इधर जोड़ने पर वैसे इधर भी जोड़ने पर, इधर करेंगे 1a + 2b + 2c = 6 7 11 8 21 ना, दो कॉमन करिएगा ना, तो a + b + c हो जाएगा बराबर 21 हो जाएगा। अब a + b + c बराबर हमारा हो जाएगा 21/2, 21/2 का बोले तो 10.5 ना। अब हमारे क्वेश्चन में सी पूछा है, तो सी पूछा है कर मतलब ये है कि a + b + c में से, a + b + c में से जो कि 10.5 दिया हुआ है, एकरा में से अगर हम घटा a + b हमारा हो जाएगा आपका कितना, 6, तो a + b + c का वैल्यू दिया था 10.5, a + b दिया था 6, उसमें से अगर हम a + b + c में से a + b घटा देंगे तो हमारा c हो जाएगा 4.5। अब यहां पर आपको क्वेश्चन में निश्चित राशि दिया है कि a + b + c का निश्चित राशि दिया है कि टोटल a + b + c का सम जो है, यानी योगफल जो है 14 है, हम लोग के अनुसार योगफल निकल के आया 10.5, तो योगफल का तुलना योगफल से क्वेश्चन में सी पूछा था, और जो पूछता है उसको गुना करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो है, काट दीजिए एगो सुना, इसको हटाइए, तो यहां पर करेंगे तो 35 चौका 35 3, इसको काट देंगे तो 1.5, तो 1.5 में 4 से गुना करेंगे तो 6 ना हो जाएगा जी, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 6। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 43 क्वेश्चन कह रहा है कि 12 14 24 का चतुर्थानुपात क्या है, 12 14 24 चतुर्थानुपात पूछा है, तो प्रथम अनुपात द्वितीय तृतीय चतुर्थानुपात के जगह पर पूछा है, तो यहाँ पर हमको अज्ञात है एक्स मान लेंगे। अब नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, तो 12x = हो जाएगा 14×24, भैया कटेगा 12 × 24, x = 14×28, और यही आपका फाइनली क्या हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यानी 44 नंबर, 0.2 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपाती आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, जरा गौर करिएगा भाई, चतुर्थानुपाती पूछा है मतलब प्रथम द्वितीय तृतीय दिया है, चतुर्था अज्ञात है, वही आपको ज्ञात करना है, तो लिखेंगे 0.2, सजाइए इसको 0.12, ओकरा बाद लिखेंगे 0.3, और चतुर्था अज्ञात है, चतुर्था पूछ रहा है मतलब वही अज्ञात है, तो उसको जगह पर एक्स मान लीजिए, नजदीक का गुना नजदीक से, दूर के गुना दूर से, 0.2x बराबर भैया 0.12 × 0.3, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 छक्का 12, x = 18,
दो अंक के बाद डेसिमल यानी 0.18 और यही आपका फाइनली आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती। भैया 16 और 24 का आपसे तृतीय अनुपाती पूछा है, तो यहां पर तृतीय जगह पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय जगह पर आप यहां पर x मान लीजिए, क्योंकि वही चीज अज्ञात है, जो पूछता है वो अज्ञात चीज होता है। अब यहां पर आपको क्या करना है, ये प्रथम से अनुपात हो गया, ठीक है, और ये यहां पर क्या करेंगे, जो बीच में आएगा, ये दोनों का जो बीच में आएगा, एक बार फिर से इसको बोलते हैं तृतीय अनुपाती पूछा है, ठीक है। तो तृतीय 16 24 यहां पर क्वेश्चन में दिया था, तृतीय अनुपाती पूछा था, तो यहां पर हमने x मान लिया। अब जो बीच में आता है ना, वही चीज को एक बार इसको क्या करते हैं, रिपीट करके लिख देते हैं। फिर नदी का गुना नदी से, नदी का गुना नदी से दूर के गुना, तो 16 गुने x बराबर, हमने बताया था आपको प्रोपोर्शन का, ये केस 2 है थ्योरी में, ठीक है। इधर हो जाएगा 24 गुने 24, काट देंगे 8 दूनी 16, 8 दिया 24 और 2 12 24, यानी x बराबर आ जाएगा 36 और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया, 46 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए, करा 6 तथा 54 के बीच मध्यानुपाती क्या होगा, गौर करिएगा। देखिए 6 54 के बीच मध्यानुपाती, तो मध्य जगह पर x मान लीजिए यहां पर, ठीक ना, अब मध्य मान लिए तो अब जो इसके बीच में आता है, इन दोनों के बीच में जो आएगा, उसी को एक बार फिर से रिपीट करके लिख देते हैं। नदी का गुना नदी से दूर के गुना दूर से, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6 24 के 4, एक मिनट ऐसे करते हैं, 54 गुणे 4 कर दे, 54 गुणे 6 कर देते हैं, ठीक है। अब x बराबर क्या हो जाएगा भैया, इधर आके स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट डालेगा 54 गुणे 6, तो ये हो जाएगा हमारा 9 गुणे 6 गुणे 6, तो 6 2 के बदले में एक अंडर रूट निकलेगा, हैजा हो जाएगा 9 का कितना हो जाएगा 3, यानी x बराबर कितना आ गया 18, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन 47 देखा जाए, करा 0.02 0.32 के बीच मध्यानुपाती। अब इसके बीच मध्यानुपाती पूछा है, तो इसके बीच में आपको x मानना पड़ेगा, और जो ये x आया उसी चीज को क्या करते हैं, इसी x को रिपीट करके एक बार फिर से लिख देते हैं। नदी का गुना नदी से दूर के गुना दूर से, x स्क्वायर बराबर होगा 32 दूना 64, 2 इधर है 2 इधर है, यानी 4 अंकों के बाद डेसिमल हम देंगे, इसलिए x बराबर इधर आके अंडर रूट डाल देगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा बोलिए तो 0.08, यही आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखा जाए 48, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो, गौर करिएगा जरा। इस 7:3 दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन सी छोटी संख्या जोड़े की नई संख्या 2:3 के अनुपात में हो जाए। भैया अगर एकरा के बेसिक करेंगे ना, तो बेसिक इस तरह से कुछ करेंगे, ठीक ना, मान के चलिए यहां पर 7+x और 13+x, ठीक है, कौन सा छोटी से छोटी संख्या जोड़ा जाए, माने ये संख्या 7 था, क्रम x जोड़ दिए, एकरों में x जोड़ दिए, तो ये जो है कितना हो जाए 2:3 हो जाए, ये बेसिक बता रहे हैं। 7 या 21x 3x, 13 दूना 26x प्लस 2x, सेम डायरेक्शन में घटेगा, सॉरी 21 होगा यहाँ पर, 21x नहीं होगा क्योंकि 7 में 3 से करेंगे तो 21 3x 3x और 26 प्लस 2x सेम डायरेक्शन में भैया घटेगा x, और 21 में 26 में से 21 जाएगा 5, यानी x बराबर कितना आ गया, तो वह कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 5। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिक से करेंगे भैया, शॉर्ट ट्रिक से करके करेंगे तो कैसे करेंगे, गौर करिए, 7:13 दिया है, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि संख्या 2:3 हो जाए, तो ना यहाँ पर क्या करना है, नीचे का डिफरेंस 1 है, ऊपर में गुना, ऊपर में गुना, और ऊपर का डिफरेंस 6 का है, देख लीजिए 6 का, तो नीचे में 6 से गुना, समझ रहे हैं, तो ये हो गया 13 से हो गया 18, कितना जोड़ा गया 7 से हो गया 12, कितना जोड़ा गया 5, तो आंसर यहाँ पर क्या जोड़ा गया 5, तो आंसर हो गया 5। आइए क्वेश्चन नंबर 49 देखा जाए भाई, 49 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि 3:5 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए। देखिए भैया बेसिक बता दिए हैं, तो बेसिक बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो 3:5 हो गया हमने यहाँ पर लिख दिया,
अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो, नई संख्या 3:4 किस अनुपात में हो, 4 के अनुपात में, ठीक है। अब जरा गौर करिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया रहेगा कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए या जोड़ दिया जाए, तो उस तरह का क्वेश्चन के लिए नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना कराते हैं और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना कराते हैं। भैया 3:4 का डिफरेंस 1 का है, ऊपर में 1 से गुना करिए, और 3:5 का डिफरेंस 2 का है, नीचे में 2 से गुना करिए। अब देख लीजिए, यहां पर 500 हो गया 8, कितना जोड़ा गया 3, 300 हो गया 6, कितना जोड़ा गया 3, तो वो छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, 3, समझ में आया। लेकिन ये हमारा गलत, ये इस क्वेश्चन के अनुसार ये प्रश्न सही है, बट क्वेश्चन में आपका यहां पर जो इसका सोल्यूशन जो दिया है किताब में, ये 3:4 ना दे करके इस तरह से दिया है 3:5, और यहां पर कह रहा है कि 5:6 दिया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन में सॉल्व करके जो बुक में जो इसका सोल्यूशन दिया है, 3:4 की जगह 5:6 लेकर के आंसर इसका दिया हुआ है किताब में 7, जबकि क्वेश्चन के अनुसार आंसर ये हमारा सही है, लेकिन अगर सोल्यूशन किताब में जो दिया है आंसर 7 उसके अनुसार अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हम 3:4 की जगह 5:6 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए 5 और 6 का डिफरेंस कितना का है भैया, 1 का, और 3:5 का डिफरेंस कितना का है, 2 का, तो नीचे में 2 से गुना करेंगे, समझ रहे हैं, और 5-6 का डिफरेंस 1 का है तो नीचे में ऊपर में 1 से गुना करेंगे, 3:5 का डिफरेंस 2 का था तो नीचे में 2 से गुना करेंगे। अब देखिए 300 हो गया 10, इसमें कितना जोड़ा गया 7, 500 हो गया कितना 12, इसमें कितना जोड़ा गया 7, तो भाई अकॉर्डिंग टू किताब मतलब बुक उसके अनुसार यहां पर आंसर हो जाएगा 7, और हम लोग के अनुसार जो प्रश्न जो दिया है इस प्रकार ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। सुधारना है तो यहाँ पर 3:4 के जगह पर 5:6 कर लीजिए, तब जाके आपका किताब वाला जो आंसर दिया वो सही हो जाएगा, नहीं तो ये वाला भी हम जो बनाए हैं वो भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ठीक ना। अब देख लीजिए, सुधारना है तो किताब में 5:6 करके ये आंसर दे दीजिए, नहीं तो ये वाला भी आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग जो है हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते क्वेश्चन नंबर 50 तक पहुंच गए हैं, तो चलिए आइए क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद आप लोग सुनिए, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए कह रहा है 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 के अनुपात में हो जाए, एकरा में कह रहा है क्या घटाया जाए, ठीक ना। देखिए 15:19, ठीक ना, एकरा में क्या कह रहा था कि कौन सी क्या घटाया जाए प्रत्येक पद में, इन प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 हो जाए, वह बात करना है। नजदीक ये नीचे का जो डिफरेंस है ऊपर में गुना, जो ऊपर का डिफरेंस है नीचे में गुना, तो हेकर डिफरेंस 1 का ना है तो ऊपर में 1 से गुना, हेकर डिफरेंस 4 का है ना तो नीचे में 4 से गुना। अब भाई 19 से हो गया 16, कितना घटाया गया 3, यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से छापिए, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं। कह रहा है 21:38, 55, 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, तो भैया संख्या समानुपाती करना है। यह था 21, उसके बाद 38, उसके बाद 55, उसके बाद 106, संख्या समानुपाती बनाना है, और क्वेश्चन में कह रहा है क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए। तो हमने मान लिया कि 21 में से x घटाया, इसमें भी 38 में से x घटाया, हमको संख्या समानुपाती बनाना है, इसमें से x घटा दिए, इसमें से x घटा दिए, और भैया ऑप्शन दिया हुआ है क्या क्या, 2, 4, 6, 8, ए में दिया है 2, बी में दिया है 4, सी में दिया है 6, और डी में दिया है 8। अगर इसमें से 21 में से 2 घटाएंगे 19, अब बटे में भैया 36 हो जाएगा, हेने घटाएंगे 55 में से 2 जाएगा 53, हेजा घटाएंगे 2, 104, ये कभी भी समानुपाती नहीं होगा, कभी भी समानुपाती नहीं होगा। दूसरा बात, 4 घटाते हैं, 21 में से 4 जाएगा 17, 38 में से 4 जाएगा 34, हेजा हो जाएगा 55 में से 4 जाएगा 51, 106 में से 4 जाएगा 102, ये हो जाएगा 51 × 102 और 17 × 34, LHS बराबर RHS, मतलब जो ऑप्शन लिए हैं ओकरा अनुसार LHS बराबर RHS आ गया है, इसका मतलब वही हमारा ऑप्शन सही है, वही ऑप्शन रखेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4। तो क्या घटाया जाए, बोलिए, 4 घटाया जाए, ठीक है।
आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए, 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, कह रहा था क्वेश्चन में कि 5, 13, 22 तथा 47 में प्रत्येक में क्या जोड़े जाए, जोड़े की प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाए। अब भाई ऑप्शन दिया है 4 गो, एकरा में से कोई एगो संख्या है जो जोड़ा जाएगा तभी जाके संख्या समानुपाती होता होगा। तो हमने कहा कि 5 + x 13 + x बराबर हो जाएगा 22 + x और + 47 + x। एकरा में हम का जोड़ देंगे, मैंने ये चारों ऑप्शन में से क्या x के जगह पर रख देंगे कि संख्या समानुपाती हो जाए। पहला बात, अगर हम 2 लेते हैं तो 5 × 2 = 7 और 13 × 2 = 15, तो 7/15 है ना कर देंगे 22 × 2 = 24 और हेजा हो जाएगा 47 × 2 = 24 / 49। ये कभी होइबे नहीं करेगा, हई करेंगे तो 5 × 4 = 9 और 13 × 4 = 17, तो 9/17 हो जाएगा। हेजा करेंगे 22 × 4 = 26, 26 कर दिए हेजा 27 × 4 = 51। ये कभी समानुपाती होगा? नहीं होगा। अब भैया 3 लेके देख लिया जाए तो 5 + 3 यानी 8 और 13 + x, x के वैल्यू हमने 3 रखा है तो 13 × 3 = 16 है ना करेंगे 22 और 22 × 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा भैया 25। हेजा करेंगे 47 × 3 तो 47 × 3 = 50, तब 25 × 2 = 50, 8 × 2 = 16। एक मतलब LHS बराबर RHS, इसका मतलब जो मैंने ऑप्शन लिया है बिल्कुल सही है, तो डी नंबर को काट दीजिए। तो इस प्रकार हमारा कह रहा था क्या जोड़ दिया जाए, तो x बराबर हमारा आंसर कितना 3। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 53 नंबर। 53 क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्या भैया, दो संख्या है और ये एक 7 है और एक 11 है, और कह रहा है कि प्रत्येक में 7 जोड़ दिया जाए, तो रेशियो कह रहा है कि 2:3 हो जाता है। और हमने आपको कितना इस तरह का क्वेश्चन कराए, बोले कि जो नीचे का डिफरेंस होता है वो ऊपर में गुणे करा दीजिए, और जो ऊपर का डिफरेंस होता है 7 11 में कितना का डिफरेंस है 4 का, एकरा में नीचे से गुणा करा दीजिए। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ने पर हेजा 11 से हो गया 12, 1 जोड़ा गया, हेजा 7 से हो गया 8, 1 जोड़ा गया। तो हेजा 7 जोड़ने पर हम लोग के अनुसार 1 जोड़ने पर तो जोड़ा गया का तुलना जोड़ा गया से, और क्वेश्चन में पूछा था कि छोटी संख्या क्या होगी, तो भैया छोटी संख्या पूछा है तो छोटी संख्या हमारा 7 ना है, तो 7 × 7 = 49, यही हमारा छोटी संख्या होगा और यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखा जाए भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में है, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना होगा। गौर करिए, देखिएगा, दो संख्या जो है ना 1:3 के रेशियो में है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि इनका योगफल 240 है, योगफल 240 है, हम लोग के अनुसार योगफल कितना हो जाएगा 4, और क्वेश्चन में पूछा है कि इनका अंतर कितना है 1:3 में कितना का अंतर 2 का, तो काटेंगे 2 × 2 = 4, काट देंगे 120, यानी फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 55 नंबर, किसी व्यक्ति का आय तथा व्यय क्रमशः 11:10 के अनुपात में है, यदि प्रतिवर्ष वह 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। यही आपसे क्वेश्चन में भाई पूछ रहा है, आइए इसको सॉल्व करा जाए। देखिए भैया, कोई व्यक्ति है उसका आय दिया है और खर्च दिया है, व्यय मतलब खर्च, और ये मासिक दिया हुआ है 11, इधर हो गया 10, तो भैया जाहिर सा बात है बचत कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रतिवर्ष 9,000 की बचत करता है, तो भैया 9,000 प्रतिवर्ष ये कह रहा है बचत करता है साल में, तो एक महीना में कितना बचत करेगा, 12 से भागा दीजिए ना, 12 × 7 = 84, आई हो गया आपका कितना 6 × 0 = 12 × 5 = 60, 750 नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये मासिक इसका बचत है 750, मासिक बचत कितना 750, तो भाई 750 मासिक बचत है, हम लोग के अनुसार कितना 1, आय पूछा है मासिक आय, 11 से गुना ना कर देंगे, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर 11 × 5 = 55 के 5 हासिल 5, 11 × 7 = 77, 5 = 82, 82 यहाँ पर लिख दिए, एगो सोना चिपका दिए, और यही हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखा जाए, कह रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या का जोड़ने पर यह 3:4 प्राप्त होगा। गौर करिए, ध्यान दीजिए, 7:11 कर प्रत्येक पद में किस संख्या का जोड़ने पर रेशियो 3:4 हो जाए। ठीक है, तो अब नीचे का डिफरेंस ऊपर में गुना कराइए और ऊपर का डिफरेंस नीचे में गुना कराइए,
तो भैया 11 से हो गया 16, यानी कितना जुड़ा 5 है, या 7 से हो गया 12 कितना जुड़ा 5, तो कह रहा है कि प्रत्येक पद में क्या किस संख्या को जोड़ा जाए, तो भैया आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। 57 नंबर क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं का रेशियो 3:4 के अनुपात में है तथा लघुत्तम समापवर्त 84 है, तीन में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, गौर करिएगा। देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या, रेशियो दिया है 3:4, क्वेश्चन में कह रहा है इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है, हैजा 3:4 का लघुत्तम लेंगे तो 12 होगा, लघुत्तम का तुलना लघुत्तम से यानी एलसीएम का तुलना एलसीएम से, अब बड़ी संख्या पूछा है तो कितना से गुना करेंगे, तब 12 × 7 = 84 या 7 × 28, और यही आपका फाइनली आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, कह रहा है दो प्रकृत संख्या 3:5 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल 21:60 है, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दो प्रकृत संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या, और यहां पर रेशियो दिया है 3:5, और कह रहा है इनका गुणनफल 21:60 है, भैया 21:60 हम लोग के अनुसार इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 15, क्योंकि गुणनफल है मीटर स्क्वायर के रूप में है तो अंडर रूट चढ़ेगा, क्वेश्चन में पूछा था इनमें छोटी संख्या क्या है तो गुणा 3 से गुणा कर देंगे, अब यहां पर काटिए, ये काट देंगे भैया 144 बार में कटेगा, 144 का अंडर रूट निकालेंगे तो 12 × 3 = कितना 36, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करे तो ए को कितना प्राप्त होगा, यानी ए प्लस बी का टोटल सम दिया है भैया 1000, और ए अनुपात बी का रेशियो जो दिया है आपका 3:2 दिया है, तो टोटल यहां पर 1000 है या टोटल 5 है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ए को कितना प्राप्त होगा, तो इनमें 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि जो पूछता है उसको गुना करते हैं, 205 × 1000 = 200 कितना 600, तो यह हमारा 600 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 60 नंबर क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ए बी तथा सी में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 हो, तब ए को कितने मिलेंगे, तब ए को कितने मिलेंगे आपसे क्वेश्चन में पूछा है, गौर करिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां पर कह रहा है भैया ए प्लस बी प्लस सी दोनों टोटल तीनों का सम दिया है 1050, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए का जो भाग है ना बी तथा सी के संयुक्त भाग का कितना है 2/5 है, तो हमने बताया था जिस राशि में का या से लगा रहे उसको हर मानते हैं ना जी, तो आप देखिए ना ये राशि हो गया और इसमें का लगा है तो किस राशि के साथ का लगा है, तो बी प्लस सी के साथ कि ए के साथ, तो बी प्लस सी के साथ, तो बी प्लस सी हमारा हो जाएगा कितना 5, और ए कितना हो जाएगा बोलिए तो 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, और टोटल दिया 1050, हमनी के अनुसार टोटल ए बी सी का टोटल 7 हो जाएगा, तो टोटल का तुलना टोटल से, क्वेश्चन में पूछा ए को कितने मिलेंगे, तो जो पूछता है उसको गुना ना, तब 15 × 7 = 75 से 150, और 150 × 2 कितना, यह हमारा आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में क्रमश 3:4, 4:9, 9:10 के अनुपात में व्यक्त किया जाता है, यदि सी का भाग बी के भाग से 25-80 अधिक हो तो ए तथा डी को कुल कितनी राशि मिलेगी या प्राप्त होगी, गौर करिए, लिखते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, रेशियो दिया है 3:4, 9:10, क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है भैया ध्यान दीजिएगा कि सी का भाग बी के भाग से 25-80 अधिक है, क्या क्वेश्चन में कहा है कि सी का जो भागवा है ये सी का भाग यहां पर है, यहां पर सी का भाग बी के भाग से, बी के भाग से 25-80 अधिक है, 25-80 अधिक है, हेजा देखिए बी के भाग से सी का भाग कितना अधिक है 5, अधिक के तुलना अधिक से, और क्वेश्चन में कह रहा है ए तथा डी के कुल राशि कितनी है, भैया ए तथा डी के कुल राशि कितनी है तो 10 × 3 = 13, अब इसको कटाना पड़ेगा कितना बार में कट जाएगा 516, क्या इसकी 500 × 5 = 2500 और फिर 16 × 5 = 80, तो 516 × 5 कट जाएगा, अब हेकरा में हेकरा से गुना करा जाए 13 × 78 = 8 = 7, 13 × 1 = 13 + 7 = 20 = 0 = 2, 13 × 5 = 65 + 2 = 67, यह आपका क्या हो जाएगा आंसर।
आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन को सोल्यूशन करने से पहले पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोग भी थोड़ा सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है, करा 1655 रुपया 90 पैसा को अमित बिपिन तथा चंद्रा के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि अमित को मिलने वाली राशि मिलने वाली प्रति 2 रुपया पर बिपिन को 3 रुपया मिले तथा बिपिन को मिलने वाले प्रति 4 रुपया पर चंद्रा को 3 रुपया मिले, इसमें अमित का भाग कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा है। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल जो है ना अमित और बिपिन और चंद्रा टोटल इसको मिल रहा है 1655 और 90 पैसा को रुपया में बदल दीजिए, ठीक है, इतना हो गया। अब कह रहा था कि अमित को 2 रुपया मिल रहा था, अमित को 2 रुपया मिल रहा था, तो बिपिना को मिल रहा था कितना, बिपिना को मिल रहा था 3 रुपया, कितना 3 रुपया। अहेजा कह रहा है कि बिपिना को 4 रुपया मिल रहा था, बिपिना को 4 मिल रहा था तो चंद्रवा को कितना मिल रहा था, बोलिए 3 रुपया, अहेजा हो गया 4, अहेजा हो गया 3, यह ना कह रहा था कि बिपिना को 4 रुपया मिल रहा था ना तो चंद्रा को 3 रुपया मिल रहा था, ये क्वेश्चन में कह रहा था। अब देखिए मेडिएटर का काम बिपिना कर रहा है, हेजा बिपिना का रेशियो में वैल्यू 3 है, हेजा बिपिना 4 है, और दोनों बिपिना एक ही है तो दोनों का वैल्यू अलग अलग तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए बिपिना का वैल्यू सेम होगा, और सेम करने के लिए उसका एलसीएम लेते हैं, और 4 3 का एलसीएम 12, 12 बनाने के लिए एकरा में 3 से है, एकरा में 4 से, जब एकरा में 4 से तो एकरो में 4 से, जब एकरा में 3 से तो एकरा में 3 से। भैया अमितवा बिपिना अचंद्रा, ठीक है, इसको 8 मिला, इसको 12 मिला, और इसको कितना मिला, 9 मिला। भाई अमित जी को 8 मिला और बिपिन जी को 12 और चंद्रा जी को 9 मिला, टोटल आइए इसको सॉल्व कर दिया जाए। देखिए यहाँ पर टोटल सम दिया है कितना, 1655.90, और यहाँ पर हम लोग के अनुसार टोटल सम 12 8 20 9 29, ठीक है, क्वेश्चन में ए पूछा था तो इसमें कितना से गुना कर देंगे, 8 से, और ये कट जाएगा आपका 57.10, कटा के देख लीजिएगा आप लोग, 0 8 8 7 56 6 5 8 45 और 5 45, ठीक है, 2 अंक के बाद डेसिमल, इतना यानी हमारा आ जाएगा 456.80 रुपया, इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ पूरा ग्रुप में इसको फैला दीजिए, लाइक शेयर और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम अगला वीडियो जो है आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर के हाजिर हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।